आपने फरमाया, बड़े बड़े उलमा फकीह गुजरे लेकिन हदीस को कोई नहीं जानता। ये तो पहली हस्ती है जो शाही है हदीस को लेकर आए। ये सारे बरेलवी देवबंदी अहल हदीस सुन्नी सब के जो सनद हदीस है सब की वलीउल्लाह पर जाकर जमा होती है। इतना अजीम सरचश्मा है वो शख्स पूरे बर्रे सगीर में हदीस पाक का। तो पहले फ़लसफ़ा और मंतिक और खुराफात, तो नबी वाली ज़िंदगी नहीं पेश की कि मेरे नबी की घर की ज़िंदगी क्या थी, औलाद के साथ, माँ बाप के साथ, माँ बाप तो थे नहीं पहले ही फौत हो गए, बच्चों के साथ, दुश्मन के साथ, दोस्त के साथ। तो जहेज़ भी उसी हिंदुओं की एक रस्म है जो हमारे घाटे फिट हो गई है। और हमारी तरह अब तो खैर कोई नहीं रहा, ये पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे सारे अगली जो थे बुज़ुर्ग वो सारे जिंदा थे तो वो पूरी रस्में निभाया करते थे जो भी होती थी। तो उसमें एक रस्म थी कि लड़की का जहेज़ सारी बारात वालों को दिखाया जाता था, वो चौर पाइयाँ बिच जाती थी हर एक अपने हिसाब से। तो हमने अपने घरों में देखा तो ऐसे चार पाइयाँ बिच जाती थी और उस पर जनाब कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं जेवर पड़ा हुआ है, कहीं जूते पड़े हुए हैं, कहीं भांडे पड़े हुए हैं, पतीले भी पड़े हुए हैं। और भाई एक खातून से मैंने सुना साडा पुत्र हूँ इंग्लैंड होंदा है, हूँ तो असी शादी तो पहले पुछना है कि सानू देवोगे की, वो तेरा बेड़ा गर्क जाए, वो तुम्हें अपनी बेटी दे रहा है, जिगर का टुकड़ा काट के दे रहा है बेटी, उसके बाद कह रहे हो सानू देवोगे की, तुम तो ठुट देना चाहिए। ऐसे घर के तो करीब से नहीं गुजरना चाहिए। जो एक आदमी बेटी परवान चढ़ा के, अल्लाह के नबी ने हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ा और अली के हाथ में दिया और कहा अली तुझे नबी की बेटी मुबारक। सुभान अल्लाह। और फिर सैयदा से फरमाया कि फातिमा मुझे मेरे ख़ानदान में जो सबसे ज़्यादा महबूब था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जो तुम्हारे बस में है वो दे दो, कोई देना मना नहीं। मेरे नबी ने दिया एक पलंग दिया मुनक्कश, उस पर खुदाई हुई हुई थी, नक्श निगार थे। एक बिस्तर दिया, एक सरहाना दिया, एक मुसल्ला दिया, एक काली चादर दी, एक रंग बिरंगी चादर दी, एक दो घड़े दिए, एक चक्की दी, एक मशकीज़ा दिया, एक लोटा दिया। ये 10 चीज़ें मेरे नबी ने, एक चक्की दी, चक्की मैंने पहले कह दिया था। तो ये 10 चीज़ें मेरे नबी ने अपनी बेटी को अता फरमाई, तो अपनी खुशी से मैं उसको घोड़ा दे दूँ या उसे मर्सिडीज़ दे दूँ, वो मेरी खुशी है अपनी बेटी के लिए। लेकिन ससुराल वाले कहें ऐ भी चाहिदा, ऐ भी चाहिदा, ऐ भी चाहिदा, ऐ भी चाहिए, ये बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी ज्यादती। इन चीज़ों को अपनी गुफ्तगू का महवर बनाओ, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मुआशरे को बताने की ज़रूरत है। और फिर अल्लाह ताला ने इसको किस कदर खूबसूरत तशबीह देकर हमें समझाया, हुन्न लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन। ये मैं बार बार इस मज़मून को दोहरा रहा हूँ इसलिए कि मुझे पता है जब मौका आएगा तो तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा, तो मैं बार बार तुम्हारे दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ये जो गुस्से के वक्त आदमी बेवकूफ़ हो जाता है, बेअक़ल हो जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है और बीवी से कब टकराव होता है, बहन भाइयों से कब। मैं सिर्फ बीवी की बात नहीं कर रहा, सारे रिश्तों की बात कर रहा हूँ, बहन भाइयों से, माँ बाप से, बीवी से कब टकराव होता है। जब मीटर घूमता है, दिमाग घूमता है, उस वक्त फिर कोई नहीं याद रहता कि मौली तारे जमील ने क्या कहा था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहनों में ये बात बैठ जाए। सबसे मुश्किल काम है अच्छे अखलाक, क्योंकि इनके सीखने का वक्त सबसे मुश्किल वक्त। अभी मैं वहाँ से घर से चलता हूँ कि मैंने जाके दरस कुरान देना है,
मैंने जोहर की नमाज़ पढ़नी है, मेरे लिए मशक्क़त है, मैं 10 मिनट की ड्राइव से आता हूँ, 1/4 घंटा यहाँ बोलता हूँ, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ इस मशक्क़त को बर्दाश्त करने के लिए। रोज़े से हलक खुश्क हो रहा होता है और बोला नहीं जाता, प्यास लग रही होती है, जिस्म में तपिश होती है, मैं तैयार हूँ कि मुझे ये मशक्क़त बर्दाश्त करनी। लेकिन अच्छे अखलाक बरतने का जब वक्त आता है, वो वक्त वो होता है जब तुम्हें गुस्सा चढ़ा होता है और गुस्से के बाद तुम्हारे ब्रेक फेल हो चुके होते हैं, और ख़ास तौर पर जो सरीउल गज़ब हों उनको तो अगली पिछली सारी उनको ये भी भूल जाता है कि मैं कौन। तो फिर वो बह जाते हैं। अच्छे अखलाक के सीखने का वक्त वो है जब तुम्हें हद दर्जे का गुस्सा आया हो, नंबर 1, नंबर 2, या अगला तुम्हारे साथ हद दर्जे की बदतमीजी कर रहा हो, तो उस वक्त थोड़ी देर तो तुम करोगे सब्र, फिर तुम भी उबाल आएगा हांडी में। तो मेरे अजीज़ों, ये बड़े नाजुक रिश्ते हैं और उसमें खामिंद और बीवी का रिश्ता सबसे नाजुक अल्लाह के नबी ने बताया। आपने फरमाया मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिन अस्समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी की शादी की, आसमान से अल्लाह का हुक्म आया, फिर मैंने शादी की। तो फिर इतनी शादियाँ अल्लाह ने क्यों करवाईं? हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए कि हर किस्म की औरत, औरत ख़ानदान से है, औरत बरादरी से है, औरत ख़ानदान बरादरी से बाहर है, ये 3 नस्बतें हैं। आपने इन 3 नस्बतों से शादी की। आयशा, उम्मे हबीबा, हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, ये ख़ानदान से हैं, और मैमूना बिरादरी अरब बरादरी से हैं, कुरैश नहीं है, जुवैरिया कुरैशी नहीं है, बरादरी हैं, अरब हैं। सफ़िया बरादरी से भी बाहर, ख़ानदान से भी बाहर। अपने से कम उम्र आयशा, हम उम्र सौदा, उम्र से बड़ी खदीजा। तो औरत उम्र में बड़ी हो तो मेरे नबी की मिसाल मौजूद है, उम्र में बराबर हो तो मेरे नबी की मिसाल मौजूद है, उम्र में कम हो तो मेरे नबी की मिसाल मौजूद है। उम्र में कम है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर वो माल में बराबर हो, मालदार हो या फ़कीर हो, माल में कम हो, ये 3 नस्बतें हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला माल में ऊँचे हैं और बाकी तकरीबन माल में बराबर हैं, और सफ़ी और जुवैरिया लौंडियों से आज़ाद होकर उनसे निकाह हुआ है तो वो माल में कम हैं। ये 9 नस्बतें हैं औरतों की जिनसे कोई औरत बाहर नहीं निकलती। मेरे नबी ने हर नस्बत की औरत से शादी करके देखा। फिर गुस्से वाली हैं, दरमियाना गुस्सा है, बिल्कुल ही खामोश हैं, इनसे भी शादी करके देखा। हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बाप की तरह गुस्से वाली थी। एक दफ़ा आपने उनको तलाक भी दे दी तो अल्लाह तो जिब्रील आए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं रुजू करो कि उम्र को तकलीफ़ होगी, और दूसरा हफ्ज़ा के लिए हमने लिख दिया है यह आपकी जन्नत में बीवी है, तो आपने रुजू फरमाया। हज़रत सौदा